हमीरपुर में फायर सीजन शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई हैं। हमीरपुर शहर के साथ हीरानगर के जंगल में आज अचानक ही आग लग गई, जिसमें वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो जंगल के साथ लगते रिहायशी मकानों को भी आग से नुकसान पहुंच सकता था। वहीं आग ने जंगल के पास ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पाया। फायर विभाग के कर्मी ने बताया कि जैसे ही विभाग के पास आग लगने की सूचना आई तो तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर आग को बुझाया गया, जिससे आग आगे नहीं फैल सकी। उन्होंने बताया कि अगर इसमें रहते आग को न बुझाया जाता तो घरों को भी आग से नुकसान पहुंच सकता था। सर, यहाँ जो जंगल है, नजदीक मकान है, जो मकान वाले हैं, मकान वालों को भी चाहिए कि जो कूड़ा करकट है अपने घर के नजदीक बना दे, वहाँ जला दे या इसकी सफाई रखे, घर के नजदीक सारी सफाई रखे, क्योंकि जंगल में इस टाइम कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, चीन का पड़ा हुआ है, तो आग जो है भयंकर रूप धारण करने का धारण कर सकती है, जिससे मकानों को खतरा है। कृपया सभी गाँववासी व जो भी मकान साफ रखते हैं उनको साफ सफाई जरूरी है। गर्मियों में सर मौसम गर्म होता है, मौसम गर्म हो गए पत्ते जो है ज़्यादा पड़े होते हैं, तो उसकी वजह से कोई बीड़ी सिगरेट फेंक जाता है, उसकी वजह से जो है आग पड़ती है।